शुरू कर रहा हूं। अबे दुबे, आज सुबह से एक खबर बड़ी वायरल हो रही थी कि आपके इस चिंतन शिविर में वन फैमिली वन टिकट का रूल लागू हो रहा है, लेकिन उससे गांधी परिवार को अलग कर दिया गया है। बाद में हालांकि उसका खंडन भी आ गया। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वन फैमिली वन टिकट का रूल क्या है? अबे दुबे बाणक जी, देखिए जो आपने अपना प्रारंभ किया कि भारतीय जनता पार्टी की हार और चुनावी जीत का मंथन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कर रहे हैं ताकि देश की अपेक्षाओं के अनुरूप हम संगठनात्मक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को खरा उतार सकें, उनकी अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति कर सकें। 6 समूहों का गठन किया गया है मूल रूप से, जिसमें सामाजिक न्याय को लेकर है, युवाओं को लेकर है, संगठनात्मक स्तर पर है और राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भित विषय पर है। इन इन विषयों पर देश भर से 430 नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें उनको अलग अलग 6 समूहों में बांटकर, पहले जो 6 कमेटियां बनाई गई थी उन कमेटियों ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी है। उस प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक चिंतन हो रहा है। मैं भी एक उसमें से जो संगठनात्मक स्तर पर काम कर रही समिति उसका समूह हूँ। आपका अनुरोध मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए कुछ समय के लिए वो बैठक में से बाहर आकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो आज देश के सम्मुख चुनौतियां क्या है उसका मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी ने किया। और मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यकाल का विश्लेषण भी उसमें है कि जो देश ने खोया है उसका भी हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि बीते 2 टर्म जो भारतीय जनता पार्टी की है उसमें इस देश ने क्या कुछ खोया है। सिर्फ राजनीतिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है, मगर देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। मगर इन सब के बावजूद हम जब तक अपनी खामियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते और उन चुनौतियों को अवसर में तब्दील नहीं कर सकते। हाँ। तो देश के नागरिकों के लिए हम अवसर में इसको तब्दील करना चाहते हैं। हमने ये भी बात की है कि शीर्ष से पोर तक कांग्रेस पार्टी में 50% जो पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का होना चाहिए। इस पर भी गहरा विचार मंथन चल रहा है। ये चल रहा है कि हमारी ब्लॉक लेवल से लेकर CWC तक कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करे, तो जो एक हमारा युवाओं को लेकर जो वर्ग गठित किया गया है, शिक्षा युवा को लेकर, उसमें इस बात का मंथन चल रहा है। इस बात का मंथन चल रहा है कि हमने स्कूली शिक्षा में जो RTE लागू किया, शिक्षा का अधिकार, हम जहां जहां सत्ता में आए वहां उच्च शिक्षा में हम शिक्षा का अधिकार सभी उन वर्ग, वंचित वर्ग के लोगों को दे, उनके न्याय की लड़ाई लड़े। तो एक बहुत व्यापक मंथन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जब तीसरे दिन वो व्यापक मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख रखा जाएगा, उसके बाद CWC उस पर निर्णय लेगी। और दृढ़ता से सारे समूह कह रहे हैं कि इस बार निर्णय संविधान के संशोधन के साथ होने चाहिए ताकि वो बाध्यकारी हो। और जो आपने कहा है उस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि एक परिवार को एक टिकट दिया जाए और उसको दृढ़ता से लागू किया जाए। उसमें ये भी बात है कि किसी के को एग्जम्प्ट करने की, एक्सक्लूड करने की बात नहीं है। जो अगर लागू होगा तो शीर्ष नेतृत्व से लेके आखिरी के कार्यकर्ता के स्तर तक हम इस बात को लागू करेंगे। बहुत बढ़िया। पर्याप्त प्रतिनिधित्व समाज के हर वर्ग को मिले, ये भी बात। और मैं बार बार कहता हूं, गांधी जो है परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की, वो वंश नहीं है, विचारधारा है भारत की प्रगति, समृद्धि और उत्थान की, जो महात्मा जी के त्याग और बलिदान से प्रारंभ हुई है। इंदिरा जी और राजीव जी में बलिदान वो परिलक्षित हुआ, उस बलिदान के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम देश की अपेक्षाओं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी व्यापक आपने बताया, बहुत डिटेल में बताया। और मैं आपके बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि आप वहीं पर मौजूद हैं और आपने कह भी दिया कि आप बाहर आकर हमसे बात कर रहे हैं, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन अबे दुबे, एक बात आपने अच्छी कही, वन फैमिली वन टिकट जो सब पर लागू होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सुबह से कंफ्यूजन था, कुछ एक जगह बात चल पड़ी थी कि इस रूल से, हाँ, इस रूल से गांधी परिवार को शायद बाहर रखा गया, ऐसी खबर चल रही थी, बाद में उसका खंडन आ गया। एक बात, हाँ, एक मिनट मैं बता दूं आपको कि ये मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ। निर्णय अंततः तो समूह का 15 तारीख को होगा। ठीक है, वही चर्चा हो रही है। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल, मैंने भी कहा इस पर चर्चा चल रही है। और इस नई पार्टी में जो अब इस चिंतन शिविर के बाद बनेगी, जो मैं मान के चल रहा हूं कुछ नई दिशा आएगी, नए कड़े फैसले होंगे, तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा,
इस पर भी चर्चा हो रही है, और क्या गांधी परिवार से होगा, बाहर से होगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों का रोल क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है? मानक जी देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जो है वो जानता है कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा का नेतृत्व करती है, व्यक्तियों का नेतृत्व उसमें गौण है, एक व्यापक विचारधारा का नेतृत्व भी कांग्रेस पार्टी है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है ये बहुत महत्व का विषय नहीं है, और हम सब चाहते हैं, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी जो सत्यनिष्ठ हैं, जो देश के अंतिम पंक्ति में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी अंतरात्मा ये कहती है और व्यापक रूप से समूचे कांग्रेस के कार्यकर्ता शीर्ष से पोर पोर तक ये चाहता है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, क्योंकि एक वही प्रशस्त मार्ग दे सकते हैं भारत का नेतृत्व करने के लिए, जो सक्षम नेतृत्व है, मुझे लगता है आज नहीं तो कल समूचा देश इस बात को स्वीकारेगा कि वो राहुल गांधी जी है। बहुत बढ़िया, मतलब अभय दुबे आप भी ये डिमांड कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष पद संभाल लें, और इसी तरह की डिमांड आप ये कह रहे हैं शिविर में उठ रही है? नहीं, देखिए ये समूह, इस समूह में जो छह विषय तय हुए हैं वो बहुत व्यापक विषय हैं, इसलिए इसमें ये कहना कि इस संदर्भित विषय पर चर्चा तो मैं उसको उचित नहीं मानता, जो संगठनात्मक स्तर की कमेटी में जिसमें मैं हूँ उसमें व्यापक रूप से चर्चा होगी। ओके, ऑलराइट, नहीं ठीक है बिल्कुल, और आपने क्लियरली कह ही दिया कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। बहुत बढ़िया संजू वर्मा, मैं चाह रहा हूं दोनों इश्यूज पर बोलिएगा।